बैक्टेरियो फर्स, ठीक है, नेक्स्ट बैक्टेरियो फर्स, ठीक है। पहले शेप बनाते हैं, फिर इसके बाद उसके हर एक शेप के बारे में बताते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन, जेनेटिक मटेरियल, एक एक करके, ठीक है। तो ये है आपका, मान लेना रफ डायग्राम, जस्ट बैक्टेरियोफेज, जस्ट सिंपल, एक्चुअली ये टेलसीथ है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये डीएनए है, ये एक्चुअली हेड है, ठीक है, टेल फाइबर। एक ट्यूबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। और 650 एंगस्ट्रॉम, 950 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो विड्थ होती है, और हेड की जो लेंथ होती है, पूछता है लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, तो 950 एंगस्ट्रॉम, विड्थ पूछे तो 650 एंगस्ट्रॉम, ये टेलसीथ बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है 950 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है, 950 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसको ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हो, जस्ट ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, जस्ट यहाँ से ऊपर ही ये हेड की लेंथ हो गई, और यहाँ से यहाँ तक टेलसिथ की लेंथ हो गई, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड, कैसा होता है, आइकोसा हेडर, आइकोसा हेड्रल, ठीक है। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है प्रिज्म लाइक, ठीक है। और इसकी जो ये टेल, इसको बोलते हैं टेलसीथ, इसको बोलते हैं टेल सीथ, ठीक है, सीध, इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स बोलते हैं, टेल फाइबर बोलते हैं। और इसके एंड में जो ये डॉटेड करके दिखा रहे हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम ये एक तरह का एंजाइम है, बताते हैं क्यों रहता है।
इस ये है हेक्सागोना हेक्सागोनल प्लेट हेक्सागोनल प्लेट ठीक है। टेल फाइबर की जो संख्या होती है 6 इन नंबर होता है नंबर ठीक है। ये रफ डायग्राम है किसका, बैक्टीरियोफाज का ठीक है। हेड कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल प्रिज्म लाइक, मतलब हेड की जो शेप होती है, हेड एक एक जैसे एक ऐसे समझ लो। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है कि आप प्रिज्म देखे हो, प्रिज्म का एक एक टुकड़ा जैसे हम जोड़ें तो जोड़कर जो हेड का स्ट्रक्चर फुली ऐसे बनेगा एक्चुअली, लेकिन ऐसे जब प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर से जोड़कर कोई भी हेड की पूरी एक स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। और हेड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल इस तरह, क्योंकि प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर को आप जोड़ोगे तो एक अलग प्रकार का ही मतलब एक शेप मतलब फॉर्म होता है। और एक्चुअली हम इसको तो हम जैसे थ्री डायमेंशनल 3D पिक्चर होता है वैसे तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक रफ डायग्राम लेकर समझाने की कोशिश किया हूँ कि इसमें जो इसके जो हेड होते हैं एक प्रिज्म लाइक ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, ये मतलब जैसा दिखने में लगते हैं, इसके जो हेड होते हैं प्रिज्म लाइक की तरह देखने में लगते हैं। प्रिज्म जो आप ऑप्टिक्स में आप पढ़े होगे, देखे होगे, इसका एक्सपेरिमेंट किए होगे, तो वैसे स्ट्रक्चर्स की तरह दिखने में लगते हैं इसके जो हेड ठीक है। तो वे उस तरह के हेड को क्या बोलते हैं, आइकोसाहेड्रल हेड बोलते हैं। और इसकी जो विड्थ होती है, बस नाम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आइकोसाहेड्रल ठीक है। इसकी जो विड्थ होती है हेड की कितनी होती है, 650 एंगस्ट्रॉम विड्थ ऑफ, और हेड को ऐसे इंडिकेशन भी करते हैं कि साइज ऑफ हेड क्या होता है। तो जब साइज ऑफ हेड पूछे कि साइज ऑफ हेड क्या होता है, तो आप ऐसे 650 एंगस्ट्रॉम इंटू 950 एंगस्ट्रॉम, यदि साइज पूछे तो आप ऐसे रिपोर्ट करोगे ठीक है। और लेंथ क्या होता है, 950 एंगस्ट्रॉम होता है ठीक है। ये जो होता है ये जो यहाँ से आप बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हो ऐसे इलोंगेटेड, इसको बोलते हैं क्या, टेल सीथ। और ये क्या होता है, कोर होता है, मतलब टेल सीथ का जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है, कोर होता है ठीक है। टेल सीथ का क्या होता है, ये कोर होता है। इसमें इस कोर में क्या होता है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जस्ट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, जब हम लाइटिक साइकिल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है। ये जब वायरस जब एक्चुअली बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज का मतलब फाज मतलब वायरस होता है, एंड द होस्ट कौन सा हो सकता है, होस्ट इसका क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। अगर होस्ट पूछे तो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। तो आप होस्ट पूछे तो बैक्टीरिया, जैसे ही ये क्या करता है, जब इसको अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंटर करना होता है तो इसके लिए एक उसको कंप्रेशन चाहिए, मतलब एक प्रेशर क्रिएट प्रेशर चाहिए, ताकि जिस उस प्रेशर के कारण क्या करे, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करे, उसके बैक्टीरियल सेल में क्या करे, इंटर कर दे। ये प्रेशर क्रिएट करने में जस्ट ये टेलसीद जो होता है, ये प्रेशर क्रिएट में जस्ट स्प्रिंग नुमा होता है, जस्ट ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक स्प्रिंग को आप दबाते हो तो क्या होता है, वो जस्ट इलोंगेट, दबाने के बाद इलोंगेट हो जाता है, जस्ट कंप्रेशन और इलोंगेशन ऐसे होता है। तो आप समझो कि जो ये टेलसीद होता है जस्ट स्प्रिंग नुमा काम करता है, और बीच में क्या होता है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाकर हेक्सागोनल प्लेट से जाकर कंबाइन करता है। और ये हेक्सागोनल जो प्लेट होता है, इसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है, थिकनेस अगर पूछे, थिकनेस ऑफ हेक्सागोनल प्लेट पूछे तो 200 एंगस्ट्रॉम होता है ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है,
इस प्लेट की जो ऐसे हम प्लेट अगर दिखाएं दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझना ऐसा प्लेट उठाएं और प्लेट उठाकर ऐसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है 200 एंगस्ट्रॉम। ये जैसे ये क्या करता है, जैसे ही उस ये जो बैक्टीरिया फॉज जो ये जो वायरस है जाकर जैसे ही बैक्टीरियल सेल पर बैठता है तो उसमें पोर क्रिएशन का करता है, और जैसे ही पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो पोर फॉर्मेशन के बाद अपना ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है बैक्टीरियल सेल में, मतलब क्या करता है इंजेक्ट करता है, और इंजेक्शन जब होता है जैसे ही इंजेक्ट करता है तो इसी ट्यूब के थ्रू ये इसी कोर के थ्रू क्या करते हैं वो जाकर बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें उसी के हिसाब से देखें तो ये जो टेलसीथ है जस्ट ए प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। ये टेल फाइबर होता है, टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है 6 होता है, और टेल फाइबर की संख्या 6 होता है क्योंकि हेक्सागोनल प्लेट है और इस कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोनल प्लेट इज 6 एंड द फ्रॉम ईच कॉर्नर ए टेल फाइबर इज इमर्जेज आउट, ठीक है। टेल फाइबर की जो लेंथ होती है, लेंथ पूछता है, लेंथ ऑफ टेल फाइबर, ठीक है, टेल फाइबर की लेंथ पूछता है तो आप बताओगे क्या 1500 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है 1500 एंगस्ट्रॉम। और हर टेल फाइबर के एंड पे, ठीक है, ईच टेल फाइबर कैरी लाइसोजाइम एंजाइम एट देयर द एंड, ठीक है। इसके जो एंड पे जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम होता है, मैंने पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि बैक्टीरिया ये जो वायरस जाकर बैक्टीरियल सेल पर बैठता है और पोर क्रिएशन करता है, पोर के बाद क्या करता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें इंजेक्ट करता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि पोर बनाता कैसे है, तो ये वायरस क्या करता है बैक्टीरियल सेल पर जाकर बैठता है, और बैठने के बाद क्या करता है इसके पास लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है बैक्टीरियल सेल को क्या करता है जो सेल वॉल होते हैं उसको डिग्रेड आउट करता है, और डिग्रेड करने के बाद क्या करता है उसमें पोर फॉर्मेशन करता है, और पोर फॉर्मेशन करने के बाद अपना जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें जाकर इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करने के बाद ये डीएनए जाकर उसमें जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं उसमें जाकर इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि लाइटिक साइकिल चलेगा लाइसोजेनिक डिपेंड अपॉन द कंडीशन, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ये कोर है, ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या कोर है, कोर है ऐसे समझ लो ना कोर, ठीक है। पूछता है कि कोर की डायमीटर क्या होती है, डायमीटर ऑफ डायमीटर क्या होता है इसका कोर का, पूछे तो 80 एंगस्ट्रॉम बताना, ये सब रिपोर्टेड डाटा याद करना है भाई आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफाज तो सिंपली हम क्या बोलेंगे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन की संख्या कितनी होती है परसेंटेज कितनी होती है, ठीक है। प्रोटीन की संख्या 60% होती है 100% में, और न्यूक्लिक एसिड की संख्या कितनी होती है 40% होती है, ठीक है। आपको पूछे तो ये बताना 40% और प्रोटीन कितना परसेंटेज होता है 60%, ठीक है। अब इसका बेस्ट एप्लीकेशन बताते हैं, इसका फ़ायदा क्या है बैक्टीरियोफाज का,
क्वेश्चन आता है कि बताइए कि बैक्टीरियोफाज, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई द रिवर गंगा क्लीन, साफ वाटर ऑफ रिवर गंगा क्लीन, पूछता है कि जो गंगा का पानी है वो साफ क्यों होता है। तो आप सिंपल आंसर अगर वन वर्ड में देना हो तो आप आंसर क्या दोगे, बैक्टीरियोफाज। बताते हैं कैसे। एक्चुअली बैक्टीरियोफाज की जो संख्या होती है, एक्चुअली जो बैक्टीरिया जो होता है ज़्यादातर डिजीज़ को काउज करता है। बैक्टीरियोफाज ऐसा नहीं है कि ये फाज हम लोग के अंदर आएगा तो डिजीज़ काउज कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। सब फाज की नेचर अलग है। अगर हम कोरोना वायरस की देखें तो पहले कोरोना वायरस तो था, मौजूद था नेचर में, लेकिन उसको बैट में अभी भी मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब पहले ऐसे स्पेसिस नहीं थे कोरोना वायरस के जो रिपोर्टेड किया गए थे, जैसे हम सार्स कोवी टू को छोड़ दें या फिर मर्स को छोड़ दें, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट जो कोरोना वायरस था जब हुआ था वो 2012 में के आसपास हुआ था, और सार्स कोवी 2003 के आसपास हुआ था। तो उन सब वायरस को छोड़ दें तो सिंपली जो कोरोना वायरस अगर पूछे कि मतलब पहले थे लेकिन अभी पहले अभी भी हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि कोरोना वायरस पहले भी अभी भी हैं और पहले भी थे, लेकिन अभी जो हैं क्या हैं कुछ ऐसे मतलब स्पेसिस ऑफ कोरोना, जैसे नोवल कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं अभी जो फ़िलहाल की केस में है, वो अभी इतना कैपेबल है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करने में क्या है, सक्षम है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करने में सक्षम है। तो इसके एग्जांपल कोरोना वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बैक्टीरियोफाज जो वायरस होता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को ही केवल काउज करेगा, ना कि किसी दूसरे स्पीसीज को काउज करेगा, ठीक है। तो रिवर गंगा में जैसे हम रिवर जैसे ऐसा है कि रिवर गंगा की जो पानी है हम पीते हैं, ठीक है, और जैसे एज ए मानते हैं कि शुद्ध होता है, तो सम जैसे हम पीछे तो उसका इन्फेक्शन नहीं काउज होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया तो होते हैं, उस बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाता है, वायरस के द्वारा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम बताएंगे कैसे मतलब बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब बैक्टीरियोफाज कैसे किल करता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइटिक साइकिल। और नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे तो लाइटिक साइकिल पढ़ाएंगे तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि बैक्टीरिया कैसे किल हो रहा है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही हम देखेंगे कि मतलब इसके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है इसमें कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेड की साइज़ क्या होती है, 650 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 950 एंगस्ट्रॉम टेल सीथ की जो लेंथ होती है, और टेल जो इंड प्लेट जो होता है कैसा होता है, हेक्सागोनल इंड प्लेट होता है, इंड प्लेट यहाँ लिख लो, ठीक है। और इसकी जो इन प्लेट की जो हेक्सागोनल जो प्लेट होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो 2000 एंगस्ट्रॉम, बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। नेक्स्ट आते हैं साइनोफाज के बारे में, ठीक है। तो ये था अपना बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो आते हैं साइनोफाज।